पुराण काल में अरुणासुर नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था। उसने 10,000 वर्ष कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अरुणासुर ने वरदान मांग लिया कि न वो किसी युद्ध में मरे, न किसी शस्त्र से मरे, न किसी स्त्री या न किसी पुरुष से मरे, न कोई चार पैर वाले प्राणी से मरे। चालाकी से अमर होने जैसा वरदान पाकर वो सभी देवों से युद्ध करने लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शिव की शरण में गए और अरुणासुर का नाश करने के लिए परामर्श कर रहे थे। उसी समय माता आद्य शक्ति प्रकट हुई। उनकी आसपास मधुमक्खियां मंडरा रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी मधुमक्खियां अपने डंक से अरुणासुर का नाश करेगी। उस तरफ अरुणासुर दानवों की सेना बुलाकर कैलाश पर आक्रमण करने आगे बढ़ रहा था। उसी समय लाखों करोड़ों मधुमक्खियां आकाश में छा गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और मधुमक्खियों ने दानवों की सेना का नाश किया। मधुमक्खियों का एक झुंड अरुणासुर की ओर बढ़ा और उसका नोच नोच कर नाश कर दिया।